A very good morning, friends. Today we are recording this video for discussion of the letter which was issued on 25th of June 2019 by the Principal Director General of Directorate General of Audit Indirect Taxes. They have released an audit program for the year 2019-20, and we need to understand what kind of audit program is that, how the GST officers are going to conduct audit which is prescribed under section 65 of the CGST Act, what is the difference in the audit that was being conducted in erstwhile regime, that is in Central Excise and Service Tax, and what is going to be the mechanism or procedure for the purpose of this audit. एक एक करके इस पूरे लेटर को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो इस लेटर में एक पॉइंट है वो ये है कि 21 जून 2019 को जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इन विच द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9 एंड 9C वाज अनाउंस्ड. 9C, 9A का जो डेट ऑफ एक्सटेंशन था वो 21 जून 2019 की 35th जीएसटी काउंसिल में 31 अगस्त की डेट हो गई, जो पहले 30 जून हुआ करती थी. तो दिस लेटर सेज दैट द ऑडिट विच वॉज सपोज टू बी स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर फ्रॉम 1st जुलाई 2019 ऑनवर्ड्स इज नाउ बीइंग फर्दर डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट by 2 months as per the recommendation of GST Council on 21st June 2019. Further ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक डायरेक्टरेट जनरल ने, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट जो है उन्होंने DGARM यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, आई एम रिपीटिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिलके एक रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम को डेवलप किया है. They have developed a risk assessment program in association with the DGARM. और ये risk assessment program के basis पे उन्होंने एक list taxpayers की along with the risk scores generate करनी है. They will be generating a list of the taxpayers with the risk scores, and this list will be made available to each audit commissionerate through Directorate of Data Management Portal, that is DDM portal. In short, हम यह समझ सकते हैं कि एक लिस्ट इन्होंने DGARM के साथ मिलकर बनाई, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट ने, और वो लिस्ट को ये अपलोड करने वाले हैं DDM के पोर्टल पे. वहां पे सारे ऑडिट कमिश्नरेट्स को उनकी रिस्पेक्टिव लिस्ट मिलेगी. DDM के पोर्टल से वो लिस्ट को एक्सेस करके ऑडिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. नाउ हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू कैटेगराइज दिस, कि वेदर इट इज लार्ज, वेदर इट इज मीडियम और वेदर इट इज स्मॉल. सो अगेन एनुअल टर्नओवर इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग दैट. इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि 7.5 करोड़ से 10 करोड़ तक का जो टर्नओवर रहेगा वहां से तब वो स्मॉल टैक्सपेयर कहलाएगा. अगर 30 करोड़ तक का टर्नओवर रहता है तो वो मीडियम टैक्सपेयर कहलाएगा, और उसके ऊपर का टर्नओवर रहता है तो ही विल बिकम अ लार्ज टैक्सपेयर. नाउ व्हेन आई से एनुअल टर्नओवर, तो एनुअल टर्नओवर या एग्रीगेट टर्नओवर क्या एक है? तो यहां पे स्लाइट डिफरेंस है. दे से द टर्नओवर विल इंक्लूड टोटल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेटेड क्लियरेंस ऑफ goods and services, but it will not include non-GST supplies. तो जो भी non-GST supplies हैं जो उन्होंने पूरे साल में किए होंगे, that needs to be excluded for the purpose of calculation of annual turnover and for the purpose of determination whether it is a small taxpayer or medium taxpayer or large taxpayer. फिर इसके बाद वापस बोल रहे हैं कि जो list है taxpayers की, ये risk फ्लैग बनेंगे ए बी एंड सी कैटेगरी के, या फर्दर डी ई एफ भी हो सकती है.
And these risk flags by will be shared by DGARM, and it will show the turnover which will be based on the 3B turnover. So GSTR 3B जो आपने भरे हैं उसमें जो आपने turnover दिखाया है वो turnover के basis पे annual turnover calculate होगा और वो annual turnover के basis पे risk flagging होगी A B C D E F उस classification में and then it will be selected for the audit purpose. Now how to calculate this annual turnover, because July से March 2018 की audit की हम बात कर रहे हैं by the departmental officer, how to calculate this. So they say कि हम इसको extrapolate करेंगे और जो 9 months का turnover है we will extrapolate that circular that turnover to 12 months. Extrapolation का मतलब कि जो भी आपका average turnover आ रहा है उस turnover से 3 months के turnover को add कर देंगे. Further इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर किसी ने 9 महीने का return नहीं भरा तो उसने जितने महीने का return भरा होगा उसके basis पे वो उसके 12 महीने के annual turnover को compute करके उसको small, medium या large classification में डाल देंगे. But minimum 3 GSTR 3B भरे हुए होने चाहिए. Further we should note that this is a list which is given by the central administration. This is not a state administration list. तो ये central का administration list है जिसके हम अभी बात कर रहे हैं, because Directorate General of Audit की बात कर रहे हैं which is a central body. Now further ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो turnover है इसमें कुछ ऑडिट कमिश्नरेट्स इन कैटेगरीज को ट्विक कर सकते हैं, लेकिन लाइक एडजस्टेड डिपेंडिंग ऑन द रिस्की टैक्स पेयर्स, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज नेसेसरी टू डू सो. अगर किसी ऑडिट कमिश्नरेट्स में सफिशिएंट नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स नहीं है तो भी इसको इस क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन को चेंज किया जा सकता है. दिस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन दिस लेटर. Now further it is written that the list which is being shared will include the risk flag indicators. Now what does risk flag indicators means? ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास जो भी लिस्ट आएगी या जो भी लिस्ट ये ऑफिसर को देंगे या ऑडिट कमिश्नरेट के पास होगी वो लिस्ट के साथ में एक PDF डॉक्यूमेंट भी होगा जो रिस्क फ्लैग को बताएगा और उसके बेसिस पे जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर है वो ये डिसाइड कर पाएगा कि कौन सी एरिया पे उसको फोकस करना है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट. अगेन आई वुड रिपीट बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हेन द लिस्ट विल बी गिवन दैट लिस्ट विल ऑल्सो कंटेन रिस्क फ्लैग इंडिकेटर्स. अ सेपरेट डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट विल बी देयर विच विल शो द रिस्क फ्लैग्स and the action point for decision support to facilitate the auditors. तो वो आपको एक risk flag बताएगा और एक supportive hint देगा जिसको use करके auditor identify कर पाएगा कि उसको कौन सी area में focus करना है for the audit purpose. But this does not mean that the auditor is not supposed to check rest of the parameters or rest of the issues. Auditor is supposed to check all the issues. He is supposed to check all the other aspects which he founds necessary for the purpose of his audit. But yes, इस risk flag की वजह से उसको एक area of focus मिल जाएगा जिस पे वो prime focus अपना रख सकता है. ये बहुत clear है कि audit की जो team है audit commissionerate को clear बोलना पड़ेगा कि भले ही risk flag है आप उस पर फोकस करिए लेकिन बाकी भी सारे इश्यूज आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे जिसकी वजह से कोई भी रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है. इफ एनी सच इश्यू इज देयर विच इज हैविंग एनी रेवेन्यू इम्प्लीकेशन देन द ऑडिट टीम मस्ट गो थ्रू दैट, मस्ट एग्जामिन इट एंड कम आउट विद द कंसिक्वेंशियल रिजल्ट्स. इसके अलावा एक और चीज उन्होंने दी है. They say that DGARM, which is Directorate General of Analysis and Risk Management,
has also set up a mechanism of feedback, जहां पे आप फीडबैक दे सकते हो. आपका मतलब है ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कैन गिव अ फीडबैक एंड दैट फीडबैक विल बी कि जो रिस्क पैरामीटर्स उनको दिए गए हैं, वेदर इट इज एफिशिएंट, वेदर इट इज अ कंक्लूसिव लिस्ट, एंड इफ एट ऑल दे सजेस्ट समथिंग टू बी एडेड इनटू दोज रिस्की पैरामीटर्स, देन सर्टेनली इट विल बी एडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल बी मॉडिफाइड एज पर द इंस्ट्रक्शंस, एज पर द सजेशंस गिवन बाय द ऑडिट टीम. And feedback has to be shared by the DGARM team with Directorate General of Audit also. फिर अगर further मैं बात करूं तो इस letter में एक और चीज लिखी हुई है कि किस तरीके से ये approximate number of audits को select करेंगे. तो बहुत detail में ना जाते हुए, क्योंकि इनका detailed audit manual आएगा, which is still in drafting stage and it will be given on the antarang ice gate very very soon. But इन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि जो categories हैं, इस categories जो इन्होंने large, small और medium classify किए हैं, इसके अंदर ये अपनी manpower को कैसे distribute करेंगे. आप इस letter का annexer A देखेंगे तो tentatively 48 commissionerates they have given. Across India में 48 audit commissionerates की list दी गई है. इस लिस्ट में जितने भी मैन पावर है, जितने भी लोग हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज. 40% ऑफ द मैन पावर विल डू लार्ज ऑडिट्स, 30% ऑफ द मैन पावर विल डू मीडियम ऑडिट्स, 20% विल डू स्मॉल ऑडिट्स, और 10% जो बचते हैं वो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, फॉलो अप और एडमिनिस्ट्रेशन की पर्पज के लिए रहेंगे. मीनिंग देयर बाय दे विल नॉट गो एंड कंडक्ट द ऑडिट्स. अब इन्होंने फिर ये भी लिखा है कि नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं और कितने नंबर ऑफ डेज उनको देने हैं ऑडिट करने के लिए. तो लार्ज यूनिट के लिए दे से 7 वर्किंग डेज, मीडियम यूनिट दे से 5 वर्किंग डेज, एंड फॉर स्मॉलर यूनिट्स दे हैव प्रिस्क्राइब्ड 3 वर्किंग डेज. ज्यूरिसडिक्शन की डिटेल एनेक्सर ए में, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 48 ऑडिट कमिश्नर्स बने हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन की डिटेल्स आपको एनेक्सर ए में दी जाएगी, वो आप वहां से रेफर कर सकते हैं. नाउ फर्दर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन्होंने ऐड किया है, एंड नाउ दे आर सेइंग दैट लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर जो है, जो DGARM देगा हर ऑडिट कमिश्नरेट को, वो कंटेन करेगा अबाउट 80% ऑफ द टैक्स पेयर्स, आउट ऑफ विच 70% ऑफ द टोटल अवेलेबल टैक्स पेयर्स हैव टू बी ऑडिटेड इन ईच कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस. यानी आपको ऑडिट कमिश्नरेट को जो लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट में से 80% में से 70% का ऑडिट करना ही करना है, और जो 10% एक्स्ट्रा आपके लिए रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि हो सकता है किसी जेन्युइन रीजन से इन 70% में किसी का ऑडिट आप नहीं कर पाओ, तो वो 10% का जो बफर है उसमें से आप उसको ऑडिट करना है आपको. एंड फर्दर इट सेज 10% ऑफ द टोटल टैक्स पेयर्स हैव टू बी सिलेक्टेड रेंडमली बाय द DGARM एंड गिवन टू द ऑडिट कमिश्नर्स, कि जो 10% आपके हैं वो आपको रेंडमली सिलेक्ट करने हैं, DGARM रेंडमली सिलेक्ट करेगा और वो ऑडिट कमिश्नर्स को देगा. अब ये जो लिस्ट है विद ऑडिट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट विद रिस्क स्कोर्स डिफरेंट कैटेगरीज में, ये CGST कमिश्नरेट में ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से ऑडिट कमिश्नरेट को दे दी जाएगी. और इस बात का केयर लिया गया है कि टैक्स पेयर को सिलेक्ट किया जाए ताकि वो इक्विटेबल सिलेक्शन हो. ऐसा नहीं हो कि किसी को सेलेक्ट कर लिया, उससे बड़ा टर्नओवर वाला रह गया. सो दे हैव डिफाइंड, दे हैव डिजाइंड अ फॉर्मेट इन विच एन इक्विटेबल सिलेक्शन मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, वेयर इन द टैक्स पेयर्स विल बी सिलेक्टेड विद इक्वालिटी. अब बात करते हैं, ये हमने बात की कि अगर 100 बंदों की लिस्ट थी तो 100 में से 80 की जो लिस्ट है, या 100 लोगों का ऑडिट करना है तो उसमें से 80 का जो DGARM देगा वो आपको रिस्क प्रोफाइल्स के हिसाब से या रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से देगा. फिर उन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग 20% है वो ऑडिट किए जाएंगे, सिलेक्शन उनकी होगी ऑडिट कमिश्नरेट्स के द्वारा बेस्ड ऑन द लोकल रिस्क फैक्टर्स. मीनिंग देयर बाय DGARM आपको रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक लिस्ट दे रहा है, उसमें से आपको ऑडिट करनी है, और
बाकी जो 20% की आपको ऑडिट करनी है, यानी 80% आपको उस लिस्ट में से ऑडिट करनी है, बाकी की जो 20% आपको ऑडिट करनी है, दैट ऑडिट सिलेक्शन विल बी बाय द ऑडिट कमिश्नरेट एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लोकल रिस्क फैक्टर्स, बट दैट कैन बी सिलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ओनली आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ ज्यूरिसडिक्शनल चीफ कमिश्नर. आप चीफ कमिश्नर से परमिशन लेने के बाद ही आप जो 20% की सिलेक्शन है वो एज अ ऑडिट कमिश्नरेट कर सकते हैं. एक इंडिकेटिव लिस्ट दी गई है कि लोकल जो आपके पैरामीटर्स हैं, रिस्क पैरामीटर्स, उसकी एनेक्सर बी में आपको एक लिस्ट दी गई है. वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट ऑल्सो. और इसके अलावा अगर कोई भी रिस्क पैरामीटर्स आइडेंटिफाई होते हैं, देन वी नीड टू इन्फॉर्म टू द जोनल ऑफिस, और वो जोनल ऑफिस विल मेक श्योर टू इंक्लूड दैट इन द लोकल रिस्क फैक्टर इफ इट इज फाउंड नेसेसरी टू डू सो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ द ऑडिट इज गोइंग टू बी डन. कि आपकी मैन पावर को 40, 30, 20 और 10 में डिवाइड कर दिया गया. 7 दिन के अंदर आपको लार्ज का करना है, 5 दिन के अंदर आपको मीडियम का करना है, और 3 दिन के अंदर आपको छोटे का ऑडिट करना है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो भी टैक्स पेयर्स आपके रिमेनिंग रह जाएंगे रिस्क कैटेगरीज में, उसको अपलोड किया जाएगा अंतरंग में. इट सेज द लिस्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग टैक्स पेयर्स अलॉन्ग विद देयर रिस्क कैटेगरीज विल बी अपलोडेड ऑन अंतरंग आइस गेट जोन वाइज. दिस सेड लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय द नोडल ऑफिसर ऑफ द चीफ कमिश्नरेट जोन एंड द सेम शैल बी फॉरवर्डेड टू रिस्पेक्टिव ऑडिट कमिश्नरेट्स इन द जोन. तो जितने आपकी ऑडिट हो गए उसके अलावा अगर कोई रह जाता है तो उसको अंतरंग पे अपलोड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द रिस्क पैरामीटर्स एंड कैटेगरीज, लार्ज, स्मॉल, मीडियम एंड अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स एंड प्रोफाइल्स. और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑडिट कमिश्नरेट को दे दिया जाएगा एंड देन ऑडिट कमिश्नरेट विल टेक इट अहेड. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखी गई है कि DGIRM जो भी रिस्क प्रोफाइल देगा या जो भी लिस्ट देगा, दैट लिस्ट इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ हिंट्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज पर्टेनिंग टू टैक्स पेयर, एंड देयरफॉर सो फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, द सेट लिस्ट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. इट शुड बी केप्ट वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड शुड बी शेयर्ड विद द ऑडिटर्स ओनली एट द टाइम वेन दे आर अबाउट टू स्टार्ट द ऑडिट. वेन दे आर शेड्यूलिंग द ऑडिट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम those documents or those PDF documents which is going to be there as a red flag and the explanation pertaining to the taxpayer should be shared. Otherwise, it should not be shared. It should be kept very confidential. Further, अगर इसे हम letter को देखें तो इसमें section 65 का जिक्र है जहाँ पे power दिया गया है कि departmental officer audit कर सकता है, जो पहले erstwhile law में एक बहुत बड़ा challenge था. Rule 101 की बात की गई है कि वो हर साल का या उस साल के किसी पार्ट का या मल्टीपल पीरियड्स का ऑडिट कर सकता है. ADT 01 में उसको नोटिस देना है और ADT 02 में उसको अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस है, फाइंडिंग्स है ऑडिट की, वो देनी है. और ऑडिट क्या कर सकता है उसमें पूरी डिटेल्स है. ही कैन डू एनी ऑडिट. द ऑडिटर एज वेल एज द टीम अकंपनिंग हिम कैन डू एग्जामिन each document which is maintained by the person under the provisions of this act or rules made there under, और वो correctness को check करेगा turnover की, exemptions की, deductions की, input tax credit utilization की, availment की, refund claimed की, या किसी दूसरे issues की जो उसको compile करने थे, वो अपने audit के द्वारा ये check करके उसको observations को record करेगा और ADT 02 में वो observations को देगा. Friends, इसके साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर 9 और 9A डिलेड फाइलिंग की वजह से जो सिलेक्शन है टीम का या टैक्स पेयर्स का वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो जो ऑडिट कमिश्नरेट्स है उनको अथराइज किया जा रहा है कि वो 31 अगस्त 2019 तक पुराने जो लॉज हैं सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के जो ऑडिट्स हैं उन ऑडिट्स को वो पूरा करे, उसकी पेंडेंसी को वो खत्म करे. That is also specified in this letter itself. Further, ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन, नॉन इंट्रूसिव एनवायरमेंट को प्रोवाइड करने के लिए टैक्स पेयर्स को ये डिसाइड किया गया है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए प्रिमाइस ऑडिट को ना किया जाए, उनके लिए डेस्क ऑडिट किया जाए.
डेस्क ऑडिट मींस कि उनको ऑफिस में उनके डेटा को बुला के उसके बेसिस पे ऑडिट किया जाए, उनकी प्रमाइसेस पे ना जाया जाए। लेकिन अगर वो नॉन कोऑपरेटिव रहता है तो कमिश्नर की अप्रूवल लेके वो उसकी प्रमाइस पे जा सकते हैं, या कभी भी उसको लगता है कि कुछ उसके जो डेटा वो प्रोवाइड कर रहा है उसमें इनहेरेंट वीकनेस है या उसके इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है, तो भी वो प्रमाइस बेस्ड ऑडिट कर सकते हैं, डेस्क बेस्ड ऑडिट से कन्वर्ट करके उसको प्रमाइस बेस्ड ऑडिट में ला सकते हैं। लेकिन लार्ज और मीडियम टैक्स पेयर्स के लिए प्रमाइस बेस्ड ऑडिट ही रहेगा। फर्दर ये तक लिख दिया है इस लेटर में कि किसी भी तरीके का हैरेसमेंट या किसी भी तरीके का उनके बिजनेस में ऑब्स्टेकल ये ऑडिट नहीं बनना चाहिए। दे शुड बी इन अ पोजिशन टू रन देयर बिजनेस स्मूथली एंड द ऑडिट टीम शुड वर्क एज पर देयर कन्वीनियंस, बट दे शुड नॉट बी एन इंटरफेरेंस इन देयर ऑडिट इन देयर बिजनेस प्रोसेस। तो कभी भी बिजनेस में इंटरफेरेंस वो ना बने, दिस इज ऑल्सो मैंशनड। प्लस ये बोला गया है कि एडीटी 01 और एडीटी 02 यानी ऑब्जर्वेशन और नोटिस ये अभी मैनुअली दिया जाएगा, जब तक कि सीबीआईसी के पोर्टल पे जो जीएसटीएन सिस्टम है, जीएसटी का जो ऑडिट का टूल है, ऑडिट का सिस्टम है, वो ऑपरेटिव ना हो जाए। वंस इट इज ऑपरेटिव देन इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, कि आप एडीटी 01 नोटिस भी आपको ऑनलाइन आएगा और ऑब्जर्वेशन भी आपके पास ऑनलाइन आएंगे। जब तक वो नहीं होता तब तक आपको मैनुअली एडीटी 01 और एडीटी 02 आप यूज कर सकते हैं। फर्दर दे आर सेइंग कि ऑडिट नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 months ऑफ इट्स कमिटमेंट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एज पर सेक्शन 65 सबसेक्शन 4। सो फ्रेंड्स, फर्दर दे आर सेइंग कि ऑडिट मैनुअल 2019 दे आर कमिंग आउट विद, जो आपको डायरेक्टरेट जनरल के पोर्टल पे अंतरंग में आपको सेपरेटली मिल जाएगा। लेकिन ये भी वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये ऑडिट मैनुअल और जो पहले हम सर्विस टैक्स और जीएसटी सर्विस टैक्स और एक्साइज के समय में जो ऑडिट्स करते थे उसका जो मैनुअल था, इट इज मोर और लेस ऑन द सेम फुटिंग, इट इज मोर और लेस ऑफ अ सिमिलर नेचर। लास्ट पैराग्राफ में अगेन उन्होंने वही लिखा है कि किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस किसी टैक्स पेयर को ना हो, वो अपने बिजनेस में प्रॉपरली काम कर सके, उनको कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो जहां पे आप प्रमाइस बेस्ड ऑडिट कर रहे हैं, और बहुत ही स्पेशल केयर लेनी पड़ेगी जो लोग स्टेट के साथ रजिस्टर्ड हैं उनके लिए, कि वो टैक्स पेयर्स लिटिगेशंस मिनिमाइज करें और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट उनके साथ ना हो और लिटिगेशन मिनिमाइज्ड हो। इट इज वेरी क्लियरली सेड इन व्यू ऑफ ऑडिट बाय दिस डिपार्टमेंट फॉर द रीजन दैट दे वर अर्लियर रजिस्टर्ड विद टैक्स स्टेट अथॉरिटीज। तो क्या होगा, स्टेट अथॉरिटीज के साथ वो पहले अगर वैट में रजिस्टर्ड थे तो उन्होंने कभी भी इस तरीके के ऑडिट को फेस नहीं किया। It might be for the very first time that they are facing a GST audit by the departmental officer. वो situation में उनको बहुत ही अच्छे environment में आप ये audit को करें, और उनको ना ही केवल आप उसका audit करके उनके observations करें, उनके findings करें problems की, but आप उनको advice भी करें कि वो इस चीज़ को कैसे better कर सकते हैं और कैसे वो voluntarily comply कर सकते हैं इस law को। And therefore this letter is being ended with the word that we should make them comply with this GST and we should encourage the voluntary compliance of this law. Friends, iske baad annexer A jaise maine bola tha ki 48 audit commissionates ki list hai, aur annexer B jisme around 39 situations hai jo local risk parameters hai, जो बोलते हैं कि ये रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया 80% और 20% वाला, तो उसमें जो 20% सिलेक्शन का क्राइटेरिया है दैट कैन बी बेस्ड ऑन दिस लोकल रिस्क पैरामीटर्स एंड दोस 20% विल बी सिलेक्टेड बाय द लोकल ऑडिट कमिश्नरेट डिपेंडिंग ऑन द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शनल चीफ कमिश्नर। I think I've annexer B you can all read, or otherwise we'll record in next video. So I'm really thankful to each one of you for giving me patience hearing and for watching this video. Thank you very much.